गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपके सामने ई डी लेकर आया हूँ और ये सारे, -सारे phrases, exam के सारे ई डी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन है फुट द बिल फुट द बिल फुट द बिल का मतलब होता है टू पे द बिल टू पे द बिल यानी बिल का भुगतान करना आप हिंदी में भी इसको नोट करते जाइए फुट द बिल का मतलब होता है टू पे द बिल यानी बिल का भुगतान करना क्लियर चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन है गो टू द डॉक्स गो टू द डॉक्स गो टू द डॉक्स का मतलब है टू बी रंड बर्बाद हो जाना टू बी रंड बर्बाद हो जाना है ना बर्बाद हो जाना आप हिंदी में भी लिख लें और इंग्लिश में भी लिख लें ठीक है गो टू द डॉक्स का मतलब होता है टू बी रंड क्लियर चलिए यानी कुत्ते की ऐसी स्थिति हो जाना आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं गो टू द डॉक्स का मतलब कुत्ते ऐसी स्थिति हो जाना है ना यानी टू बी रियड बर्बाद हो जाना इन अ नट सेल इन अ नट सेल नट का मतलब क्या होता है अखरोट अखरोट की जो शेल होता है कवर होता है उसमें किसी चीज को रखना है? मतलब बहुत सूक्ष्म रूप से उस चीज को रखना किसी चीज को रखना तो एन सेल नट सेल का मतलब हो जाएगा ब्रीफली 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 मतलब होता है इन शॉर्ट इन शॉर्ट यानी संक्षेप में आप हिंदी में भी नोट कर सकते हैं इन नट सेल का मतलब होता है संक्षेप में किसी को बात को कहना ठीक है इन हॉट वाटर इन हॉट वाटर हॉट वाटर में यदि कोई व्यक्ति गर्म पानी में यदि कोई व्यक्ति गर्म पानी में मान लो तो वो कैसा होगा परेशानी में होगा है ना कष्ट में होगा तो इन हॉट वाटर को आप याद कर सकते हैं इन अ फिक्स इन अ फिक्स या इन अ ट्रबल इन अ ट्रबल यानी मुसीबत में होना मुसीबत में होना क्लियर क्वेश्चन है हरकुलन टास्क हरकुलन टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क हर्कुलट टास्क कार्य बहुत ज्यादा मुश्किल कार्य है ना बहुत ज्यादा मुश्किल कार्य तो डिफिकल्ट टास्क डिफिकल्ट टास्क यानी एक बहुत ज्यादा कठिन कार्य क्या कहलाता है हरकुलन टास्क क्लियर चलिए सिक्स वाला है पॉकेट एंड इंसल्ट यानी अपमान को पॉकेट में रख लेना अपमान को जिम में रख लेना मतलब अपमान को शैन कर लेना तो इसका बन जाएगा टू टॉलरेट द इंसल्ट टू टॉलरेट द इंसल्ट यानी अपमान को शैन कर लेना ठीक है नोट करते जाइएगा सारी के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए ठीक है थ्रो कोल्ड वाटर किसी पर पानी फेंकना कैसा पानी ठंडा पानी फेंकना तो ठंडा पानी फेंकना मतलब उसको हतोत्साहित करना नमीद करना तो इसका हो जाएगा टू डिस्करेज टू डिस्करेज टू डिस्करेज का मतलब होता है किसी को हतोत्साहित करना है ना उसका उसका उत्साह घटाना उसका उत्साह घटाना या हतोत्साहित करना क्लियर ट वाला क्वेश्चन है पार्ट एंड पार्सल सारे सारे क्वेश्चन अपनी डायरी में या नोटबुक में नोट करते जाइए ठीक है पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्लियर हुआ ना चलिए ये आठ क्वेश्चन हो गए चलो बाकी क्वेश्चन देखते हैं पुट अप विद ये फ्रेल वर्ब है पूरी पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना सहन करना है ना टू to टॉलरेट टू बियर टू बियर बियर का मतलब भी शहन करना होता है और टोलरेट का मतलब भी क्या होता है शहन करना तो पुट अप विद का मतलब होता है टू to टोलरेट या टू बियर क्लियर ये भी क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं टेन वाला क्वेश्चन है टू कॉल नेम्स टू के कॉल नेम्स कॉल नेम्स मतलब नाम देना अलग अलग नाम देना ऐसे निकाल सकते हैं आप तो अलग अलग नाम देना मतलब एक तरह से उसको एब्यूजिंग करना है ना तो इसका मतलब हो जाएगा टू एब्यूज टू Abuse, गाली देना टू कैलना कॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा टू एब्यूज क्लियर इलेवेन वाला क्वेश्चन है चिकन हर्टेड चिकन हर्टेड मतलब चूजे जैसे दिल वाला चूजे जैसे दिल वाला मतलब जो मुर्गी का बच्चा होता है ना चूजा उसके जैसे दिल वाला तो चूजे जैसे दिल वाला यानी बहुत ज्यादा कमजोर व्यक्ति बहुत ज्यादा डरपोक व्यक्ति तो आप इसको लिख सकते हैं कॉवर्ड कॉवर्ड मतलब कायर व्यक्ति कॉवर्ड का मतलब कायर व्यक्ति या डरपोक व्यक्ति ठीक है क्लियर होगा ना फ्रेंच लीव एक ऐसी लीव जो बिना परमिशन के लिए आती है बिना किसी परमिशन के लिए आती है उसको कहते हैं फ्रेंच लीव तो इसको आप लिख सकते हैं टू टेक लीव टू टेक लीव विदाउट परमिशन विदाउट परमिशन ठीक है टू टेक लीव विदाउट परमिशन बिना इजाजत के छुट्टी लेना बिना इजाजत के छुट्टी लेना क्लियर चलिए थर्टीन वाला क्वेश्चन देखते हैं थर्टीन वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम में आ चुका है है बोर्ड 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 का मतलब होता एकदम फ्रैंक या एकदम कह सकते हैं आप ईमानदार कैसा ईमानदार तो बोर्ड का मतलब क्या हो जाएगा ऑनेस्ट पर्सन कैसा पर्सन ऑनेस्ट पर्सन क्लियर फोर्टीन वाला क्वेश्चन है एट सिक्स एंड सेवन एट सिक्स एंड सेवेंस का मतलब होता है तितर बितर कर देना या तितर बितर होना है ना अस्त व्यस्त होना आप ऐसे भी कह सकते हैं अस्त व्यस्त होना <coughs> तो इसका हो जाएगा इन डिसऑर्डर इन डिसऑर्डर या स्केटर भी लिख सकते हैं आप स्केटर बिखर जाना है ना बिखर देना या बिखर जाना या तितर बितर होने का मतलब इन डिसऑर्डर भी होता है ठीक है अ स्नैक इन द ग्रासनैक इन द ग्रास घास में कोई सांप है घास में कोई सांप है तो आपको दिखेगा नहीं दिखेगा अचानक से हमला करेगा तो कहने का मतलब है वो आपका छुपा हुआ दुश्मन है तो आप इसको याद कर सकते हैं एन हिडन एनिमी ए हिडन एनिमी एनिमी मतलब शत्रु एक छुपा हुआ शत्रु या इसका एक और मुहावरा होता है आस्तीन का सांप आस्तीन का सांप क्लियर तो आई होप ये पंद्रह क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे आगे देखते हैं चलो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वाला द पाम ग्रीज दाम दा का मतलब होता है रिश्वत लेना रिश्वत लेना तो आप इसको लिख सकते हैं टू ब्राइव टू ब्राइव क्लियर द इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टू ग्रीज दाम का मतलब होता है टू ब्राइव यानी रिश्वत लेना इन फुल स्विंग इन फुल स्विंग का मतलब होता है पूरी शक्ति से पूरी शक्ति शक्ति से तो विद फुल फोर्स विद फुल फोर्स पूरी ताकत के साथ है ना कोई काम पूरी ताकत के साथ किया जाता है तो उसको बोलते हैं ऑन फुल स्विंग है ना या पूर, पूरी तीव्रता के साथ तीव्रता के साथ भी बोल सकते हैं आप इन द टाइम इन द टाइम का मतलब होता है एन मौके पर एन मौके पर एट एग्जैक्ट टाइम एट एग्जैक्ट टाइम यानी एन मौके पर है ना ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है एक बार इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एट एग्जैक्ट टाइम यानी एन मौके पर क्लियर सेफ एंड साउंड का मतलब होता है पूर्ण सुरक्षित पूर्ण सुरक्षित तो आप इसका लिख सकते हैं सेफ क्या लिख सकते हैं सेफ ठीक है टू बरी द दैचेट टू बरी द दैचेड टू बरी बरी का मतलब होता है दफनाना हेचेट का मतलब आप मान सकते हो कुलाड़ी कुलाड़ी को कोई दफना दे यानी कुलाड़ी किसी पर उठाने मतलब मार, मारने के लिए जा रहा हो और उसको फिर दफना दे यानी उस अपनी शत्रुता को बुला दे है ना तो टू बरी दचेट का मतलब होता है टू फॉरगेट द एनिमिटी टू फॉरगेट द एनिमिटी एनिमिटी का मतलब होता है शत्रुता एनिमी नहीं एनिमिटी शत्रुता को बुला देना शत्रुता को बुला देना है ना टाइम एंड अगेन टाइम एंड अगेन फ्रेज है इसका मतलब होता है रिपीटेडली इसका मतलब क्या होता है रिपीटेडली बार 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 है ना रिपीटेडली ठीक है ट्वेंटी टू टू विन रूरल लूरल्स टू विन लॉरल्स टू विन लॉरल्स का मतलब होता है यश yes, प्राप्त करना सम्मान प्राप्त करना यश yes, प्राप्त, yes, प्राप्त करना या सम्मान प्राप्त करना तो हो जाएगा इसका टू गेट रेस्पेक्ट टू गेट रेस्पेक्ट ठीक है ये भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन ये आपकी फ्रीजल वर्क लुक डाउन अपॉन लुक डाउन अपॉन लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को घना करना टू हेट टू हेट लॉकडाउन ओपन का मतलब क्या होता है टू हेट किसी को गृणा करना लास्ट टू क्वेश्चन और देखो ब्रिंग टू बुक ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है बुक ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है टू पनिश सजा देना टू पनिश सिंपल है याद हो जाएगा ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है टू पनिश सजा देना नोट करते हैं अपनी डायरी में सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है ठीक है तो चलिए ट्वेंटी फाइव लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं पास अभी पास अभी का मतलब होता है गुजर जाना मर जाना है ना गुजर जाना या मर जाना तो इसका हो जाएगा टू डाई टू डाई क्लियर तो आई होप आपको ये सारी के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इनको आप डायरी में नोट कर सकते हैं इनको याद भी कर सकते हैं आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं जय हिंद जय जै भारत